हेलो एवरीवन वेलकम टू टैक्निक जेस्ट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट फाइव ऑफ चैप्टर फाइव सब्ट्रैक्शन तो स्टूडेंट्स पार्ट फोर में हमने सीखा था एडिशन ऑफ नंबर्स फ्रॉम टेन टू ट्वेंटी मैं आशा करता हूं आपने वो पार्ट पढ़ा है तो so स्टूडेंट्स अगर कोई पार्ट की लेंथ ज़्यादा है इसका मतलब यह है कि वहाँ पर मैंने क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं तो अगर आपकी भी अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग हो तो आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए और प्रैक्टिस करते वक्त अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप उन क्वेश्चंस को कमेंट्स में लिख दो और उनके आंसर्स और सॉल्यूशंस मैं आपको सेंड करूंगा तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट है इससे पहले हमने इस चैप्टर के चार पार्ट्स बनाए हैं तो सारे पार्ट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो उन पार्ट्स को आप प्लीज पढ़ लेना इस पार्ट में हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स फ्रॉम टेन टू ट्वेंटी और सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स फ्रॉम वन टू ट्वेंटी तो वो हम कैसे सीखेंगे तो स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है मैंने आपको क्या पढ़ाया था प्रीवियस पार्ट्स में सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है टेक अवे जैसे यहां पर पहला क्वेश्चन है सेवन माइनस फोर इज इक्वल टू हाउ मच तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास सेवन स्टिक्स है और वहां से अगर मैं चार स्टिक्स हटा दू या फिर इंग्लिश में हम कह सकते हैं वी हैव सेवन स्टिक्स जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वी हैव सेवन स्टिक्स टेक अवे का मतलब है रिमूव कर देना या हटा देना तो यहां से अगर मैं फोर स्टिक्स हटा दो तो माइनस फोर का मतलब है फ्रॉम सेवन वी टेक अवे फोर स्टिक्स तो यहां से फोर स्टिक्स हटा दो वन टू थ्री फोर तो सेवन माइनस फोर इज इक्वल टू हाउ मच तो इसका आंसर होगा यहां पर कितने स्टिक्स बचे हैं तो रिमूव करने के बाद जितने स्टिक्स बचेंगे वो हमारा आंसर होगा तो आप बताओ यहां पर कितने स्टिक्स स्टिक्स बचे हैं थ्री आर लेफ्ट सो इसका अर्थ यह है अगर हमारे पास सेवन स्टिक्स है वहां से अगर हम फोर स्टिक्स हटा दें तो हमारे पास थ्री स्टिक्स बचेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन माइनस एट इज इक्वल टू हाउ मच तो इसे भी आप डायरेक्टली यूजिंग स्टिक मेथड सॉल्व कर सकते हो कैसे करेंगे तो इसको इस तरह से पढ़ो कि हमारे पास नाइन स्टिक्स है वहां से हमें एट स्टिक्स रिमूव करना है तो रिमूव करने के बाद कितने स्टिक्स बचेंगे उसको कैलकुलेट करके यहां पर लिखना है तो यहां पर नाइन स्टिक्स ड्रॉ करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो यहां पर हमने नाइन स्टिक्स ड्रॉ कर लिए नेक्स्ट इज माइनस एट का मतलब टेक अवे एट तो यहाँ से आप एट स्टिक्स टेक अवे करो मतलब यहाँ से एट स्टिक्स आप रिमूव कर दो तो यहाँ से एट स्टिक्स हटाते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट स्टिक्स हमने हटा दिए तो कितने स्टिक्स बचे हैं वो हमारा आंसर होगा तो आप बताओ यहाँ पर कितने स्टिक्स बचे हैं कैलकुलेट करके बताओ एक स्टिक बचा है देख रहे हो इस ये स्टिक बच गया इनको तो हमने हटा दिया था हटा करके कहीं और रख दिया किसी को दे दिया जो भी किया यहां से हटा दिया तो एक ही स्टिक हमारे पास बचा बचाएर नाइन माइनस एट इज इक्वल टू वन आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सॉल्व करके मुझे बताओ क्या होगा ये है टू माइनस टू इज इक्वल टू हाउ मच तो इसका आंसर क्या होगा अगर हमारे पास टू स्टिक्स है माइनस टू का मतलब क्या हुआ टेक अवे टू यहां से जितने भी हमारे पास कितने हैं टू स्टिक्स तो इन टू स्टिक्स में से हमें दो स्टिक्स हटाने हैं और फिर देखना है हमारे पास कितने स्टिक्स बचे हैं तो सबसे पहले दो स्टिक्स हटाएंगे वन टू हमारे पास थे टू स्टिक्स हमने हटा दिए दो स्टिक तो कितने स्टिक्स बचे हैं एक भी स्टिक नहीं बचा मतलब ज़ीरो स्टिक्स बचे हैं सो टू माइनस टू इज एकवल टू ज़ीरो जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है तो हम जीरो लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टू इज इक्वल टू हाउ मच तो इसको भी using stick method solve करेंगे। यहां पर क्या है six. तो सबसे पहले तो तो सबसे पहले पर करो। फोर फाइव सिक्स ये क्या है स्टूडेंट दीज आर स्टिक्स करते हैं ये स्टिक्स है स्टिक का मतलग, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा तो यहाँ पर ये यह स्टिक्स है कितने हैं सिक्स माइनस टू का क्या मतलब है टेक अवे टू तो सिक्स माइनस टू का क्या मतलब है फ्रॉम सिक्स टेक अवे टू और फ्रॉम सिक्स रिमूव टू मतलब इन छह स्टिक्स में से दो स्टिक्स हटा दो तो हटा देते हैं वन टू अब यहां पर आंसर क्या होगा दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स लेफ्ट कितने स्टिक्स बचे हैं काउंट करो यहां पर वन टू थ्री फोर कुछ क्वेश्चन तो भी इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो तो इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करो और इनके आंसर आप कॉमेंट्स में मुझे बताओ एज अ होमवर्क तो यहाँ पर आप स्टिक मेथड का यूज कर सकते हो या फिर फिंगर काउंटिंग टेक्निक का यूज कर सकते हो तो किसी भी तरीके से इन क्वेश्चन को सोल्व करो इनका आंसर आप मुझे कॉमेंट्स में बताओ नेक्स्ट हम इन क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर जितने भी सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए सारे नंबर थे फ्रॉम वन टू टेन आप देखो नाइन एट सिक्स टू जितने भी सारे नंबर्स हैं इट लाइज इन द रेंज वन टू टेन नेक्स्ट अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जहां पर नंबर्स विल लाई इन द रेंज वन टू ट्वेंटी जैसे आप देखो सेवेंटीन ये दस से बड़ा नंबर है ट्वेंटी से छोटा नंबर है और फाइव दस से छोटा नंबर है तो ये सारे जो नंबर्स हैं दीज ऑल नंबर लाई इन द रेंज वन टू ट्वेंटी तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स इसी चैप्टर के पार्ट फोर में मैंने आपसे वंस और टेंस डिस्कस किया था तो किसी भी नंबर को डायरेक्टली वंस और टेंस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो हमने पार्ट फोर में अच्छे से पढ़ा था जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्या है सेवेंटीन तो इसे हम वंस और टेंस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे तो जैसे आप 15 को देखो पहले 15 इज इक्वल टू वन टाइव अगर आपको समझने में परेशानी हो तो वीडियो को पॉज करो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और इसी चैप्टर के पार्ट फोर को एक बार पढ़ लो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा तो जैसा हमने यहां पर इन नंबर्स को वंस एंड टेंस के फॉर्म में लिखा है तो सेवनटीन को वंस एंड टेंस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे तो सेवनटीन विल इक्वल टू हाउ मेनी टेंस एंड हाउ मेनी वंस तो 17 विल बी इक्वल टू 110 टेन एंड सेवन वंस इसी तरह से अगर आप इन नंबर्स को देखो तो ये भी मैंने आपको बताया था कि जैसे नंबर 8 है इसे वंस और टेंस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे तो 8 चूंकि टेन से छोटा नंबर है तो वी सिंपली राइट एट वंस नाइन ये भी टेन से छोटा नंबर है वी राइट नाइन वंस टेन को अगर हमें वंस एंड के फॉर्म में लिखना है तो टेन इज सिंपली इक्वल टू वन टेन तो इसीलिए टेंस में हम यहां पर लिखेंगे वन और वंस में हम लिखेंगे जीरो सिंपली वन टेन एंड जीरो स्टूडेंट्स यहां पर क्वेश्चन है सेवनटीन माइनस फाइव इज इक्वल टू हाउ मच तो जैसा मैंने आपसे अभी डिस्कस किया सेवनटीन इज वन टेन एंड सेवन वंस तो ये होता है हमारा टेंस कॉलम ये होता है हमारा वंस कॉलम सो सेवेंटीन इज वन टेन एंड सेवन फाइव चूंकि टेन से छोटा नंबर है तो वंस एंड टेंटीन माइनस फाइव मतलब फ्रॉम सेवनटीन ऑब्जेक्ट वी टेक अवे और रिमूव फाइव ऑब्जेक्ट तो हाउ मेनी ऑब्जेक्ट वी विल हैव दैट वी नीड टू फाइंड आउट तो यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखो यहां पर टोटल क्या है सेवनटीन बनानाज है अगर आप काउंट करो तो यहां पर 10 बनाना है तो 17 का हमें पता है इट इज इक्वल टू वन टेन एंड सेवन मंथ तो ये है 110. 110 का मतलब क्या होता है अ ग्रुप ऑफ 10. सो दिस इज अ ग्रुप हैविंग 10 बनाना और ये क्या है सेवन लूज बनाना विच इज इक्वल टू सेवन वंथ्स तो यहां पर हम लिख सकते हैं सेवन सो सेवनटीन इज इक्वल टू वन टेन एंड सेवन मंथस यहां से हमें रिमूव करना है या टेक अवे करना है फाइव मतलब फाइव इज सिंपली हाउ मच फाइव वंस तो यहां पर आप डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते हो आप 7 वंस से फाइव वंस रिमूव कर दो 7 वंस का मतलब क्या 7 लूज बनानास यहां से आप फाइव वंस मतलब फाइव लूज बनानास रिमूव कर दो जैसे वन 2 3 4 5 तो ये हमने रिमूव कर दिए अब कितने बनानास टोटल बचे हैं उसको कैलकुलेट करो तो यहां पर आप देखो एक ग्रुप बचा है बनानास, और दो लूज बनानास पर बचे हैं। तो यहां पर एक टेन का ग्रुप बचा है, इसलिए प्लेस पर हम लिखेंगे 1, और कितने लूज बनानास बचे हैं तो यहां पर दो लूज बनानास बचे हैं मतलब टू वंस बचे हैं तो वंस प्लेस में हम लिखेंगे टू सो दिस इज आवर आंसर सेवनटीन माइनस फाइव इज इक्वल टू ट्वेल्व अगर कितने नंबर ऑफ बनानास बचे हैं इसको दूसरे तरीके से कैलकुलेट करना चाहो तो सारे बनानास को आप एक साथ काउंट कर सकते हो और उसको इस टेबल में वन सेंटेंस के फॉर्म में लिख सकते हो जैसे अगर हम इस तरीके से ना लिखें तो क्या करेंगे कितने नंबर ऑफ बनानास बचे हैं उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जितने भी सारे बनानास हैं इन सबको एक साथ काउंट करते हैं तो यहाँ पर है टोटल टेन दिस इज इलेवन एंड दिस इज ट्वेल्व तो टोटल हो गए यहाँ पर कितने 12. अब 12 को सिंपली आप लिख दो इन फॉर्म ऑफ वन सेंटेंस तो 12 का हमें पता है 12 इज इक्वल टू वन टेन एंड टू वन ये हमने प्रीवियस पार्ट में आपको पढ़ाया था 12 इज डायरेक्टली इक्वल टू वन टेन एंड टू वन तो यहां पर टेंस प्लेस पे आप वन लिख दो वन प्लेस पे आप टू लिख दो तो यहां पर भी आपका आंसर आ जाएगा ट्वेल्व सो देयर फोर सेवनटीन माइनस विच इज इक्वल टू वन टेन एंड टू वन नेक्स्ट इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इन क्वेश्चन को आप दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो एक तरीका जो मैंने आपको यहाँ पर अभी सिखाया एक दूसरा तरीका है स्टिक मेथड जो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में सिखाया था तो दोनों तरीकों से सॉल्व करके सीखते हैं यहां पर क्या है फिफ्टीन माइनस फोर इज इक्वल टू हाउ मच मतलब अगर आपके पास फिफ्टीन स्टिक्स हैं वहां से अगर मैं फोर स्टिक्स हटा दू या रिमूव कर दू तो आपके पास कितने स्टिक्स बचेंगे तो डायरेक्टली इसको यूजिंग स्टिक मेथड हम सॉल्व कर सकते हैं तो कैसे करेंगे यहां पर सबसे पहले कितने हैं टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स 15 तो सबसे पहले 15 स्टिक्स हम ड्रॉ करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ये हो गए टोटल 15 स्टिक्स यहां पर है नेक्स्ट माइनस फोर माइनस फोर का मतलब टेक अवे फोर और रिमूव फोर तो यहां से फोर स्टिक्स रिमूव कर दो वन टू थ्री फोर तो ये फोर स्टिक्स हमने रिमूव कर दिए तो अब हमारा यहां पर आंसर क्या होगा तो टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स दैट आर लेफ्ट, कितने स्टिक्स बचे हैं वो काउंट करो वो आपका आंसर होगा सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स लेफ्ट आर इलेवन सो देर फोर 15 माइनस फोर इज इक्वल टू इलेवन इस तरह से डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो तो एक और तरीका क्या है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को इन द फॉर्म ऑफ टेंस एंड वंस लिख लो तो हमने यहां पर कुछ नहीं किया है इस क्वेश्चन को बस इसी तरह से लिखा है तो 15 हमें पता है इट इज इक्वल टू होता है one and five ones, four four तो इस तरह से 15 और 4 दोनों नंबर्स को आप लिख लो नेक्स्ट हमें 15 माइनस फोर करना है तो यहां पर क्या है फिफ्टीन तो हम इस तरह से ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करेंगे आप चाहो तो स्टिक्स ड्रॉ कर सकते हो बनाना ड्रॉ कर सकते हो एप्पल्स ड्रॉ कर सकते हो कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हो तो यहां पर क्या है फिफ्टीन 15? तो फिफ्टी टेन एंड फाइव वन तो हम एक ग्रुप ऑफ टेन स्टिक्स बनाएंगे और फाइव लूज स्टिक्स बनाएंगे तो चलिए ड्रॉ करते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10. तो ये क्या हो गया अ ग्रुप ऑफ टेन स्टिक्स सो दिस इज आवर वन टेन नेक्स्ट यहां पर क्या है तो फिफ्टीन क्या होता है वन टेन एंड फाइव वन तो आपको और फाइव लू स्टिक्स ड्रॉ करने हैं वन टू थ्री फोर फाइव तो ये हो गया फाइव लू स्टिक्स नेक्स्ट इज माइनस फोर माइनस का मतलब टेक अवे तो फोर यहां पर क्या है फोर का मतलब है फोर वन मतलब फोर लूज स्टिक्स तो यहां पर टोटल फिफ्टीन स्टिक्स है यहां से आपको फोर स्टिक्स रिमूव करने हैं तो आप यहां से रिमूव करो वन टू थ्री फोर तो यहां से हमने फोर स्टिक्स रिमूव कर दिए तो अब हमारा आंसर क्या होगा टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स दैट आर लेफ्ट कितने स्टिक्स बचे हैं अ ग्रुप ऑफ टेन स्टिक्स एंड वन लूज स्टिक तो आंसर में हम क्या लिखेंगे यहां पर टेंस में कुछ लिखेंगे में कुछ लिखेंगे, पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर कितने बचे एक ही ग्रुप बचा है तो यहां पर लिखेंगे, one. लिखेंगे? यहां पर कितने लू स्टिक्स बचे हैं देखो दैट इज वन लू स्टिक तो यहां पर हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स दैट इज वन टेन एंड वन वन इज इक्वल टू इलेवन कैसे हो रहा है तो ये है टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स डेटा लेफ्ट टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स जो बचे हुए हैं टोटल काउंट करो यहां से लेकर के यहां तक काउंट करोगे कितने होंगे टोटल टेन यहां पर एक और है टेन प्लस वन इज इलेवन तो मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स लेफ्ट इज इलेवन विच इज सिंपली वन टेन एंड वन वन सो देर फोर फिफ्टीन माइनस फोर इज इक्वल टू इलेवन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवनटीन माइनस टू इज इक्वल टू हाउ मच तो यहाँ पर भी हम सेम उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे दो तरीके हैं एक तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो मतलब यहाँ पर 17 स्टिक्स ड्रा करो वहाँ से टू स्टिक्स रिमूव करो और फिर देखो टोटल नंबर ऑफ़ स्टिक्स कितने बचे हैं वो आपका आंसर होगा दूसरा तरीका क्या है इन द फॉर्म ऑफ वन सेंटेंस स्टूडेंट्स अगर आपको वन सेंटेंस समझने में परेशानी हो रही है तो प्लीज़ पार्ट फोर का वीडियो आप पढ़ लो वहाँ पर मैंने वन सेंटेंस बहुत अच्छे से पढ़ाया है तो यहां पर सबसे पहले 17 को लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ वन सेंटेंस तो 17 इज इक्वल टू हाउ मच 17 इज इक्वल टू वन टेन एंड सेवन वंस तो आप बताओ 17 के लिए टें प्लेस पर क्या लिखें वन One लिखेंगे वंस प्लेस पर क्या लिखेंगे सेवन वाई बिकॉज सेवनटीन इज वन टेन एंड सेवन वंस नेक्स्ट इज माइनस टू तो यहां पर है माइनस और टू को आपको लिखना है इन द फॉर्म ऑफ वन सेंटेंस टू टेन से छोटा नंबर है इसलिए सिंपली वंस प्लेस में इसको लिखेंगे सो टू इज सिंपली टू वंस अब हमें क्या करना है सेवेंटीन माइनस टू इसका आंसर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे सेवनटीन को ड्रॉ करो आप स्टिक्स ड्रा कर सकते हो या बनानाज इस तरह से ड्रा कर सकते हो तो यहाँ पर क्या है सेवेंटीन इज वन टेन एंड सेवन वंस तो यहाँ पर टेन स्टिक्स ड्रा करो तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो ये हो गए टेन स्टिक्स तो क्या हो गया सेवनटीन यहाँ पर ड्रा हो गए कितने हैं यहाँ पर टोटल यहाँ पर हैं टोटल टेन और अ ग्रुप ऑफ टेन ये टोटल सेवनटीन के बराबर नहीं है क्यों क्योंकि सेवनटीन इज वन टेन एंड सेवन वंस तो सेवन वंस भी तो आप ड्रा करोगे सेवन वंस का मतलब ये सेवन लूज स्टिक्स है तो यहां पर सेवन लूज स्टिक्स ड्रा करते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सो दिस वन टेन और अ ग्रुप ऑफ टेन एंड सेवन वन इट इज सेवेंटीन तो यहाँ पर हमने सेवन टीन स्टिक्स ड्रॉ कर लिए नेक्स्ट इज माइनस टू माइनस टू का मतलब यहां इन टोटल स्टिक्स में से आपको टू स्टिक्स रिमूव करना है या हटाना है कहाँ से हटाओगे यहाँ से हटाओगे कहाँ से हटाओगे तो आप कोशिश करो शुरुआत में वंस से हटाने का तो यहाँ से टू वन साफ रिमूव कर दो तो एक स्टिक रिमूव कर दिया दूसरा स्टिक रिमूव कर दिया सो फ्रॉम सेवनटीन वी टेक अवे टू नेक्स्ट आंसर क्या है तो टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स दैट आर लेफ्ट तो कैसे देखोगे यहां पर देखते हैं क्या है तो so क्या क्या बचा है एक ग्रुप ऑफ टेन बचा है और कुछ लूज स्टिक्स बचे हैं यहां पर सबसे पहले एक ग्रुप ऑफ टेन बचा है या वन टेन तो टेंथ प्लेस में वन लिख दो वन्स प्लेस पर क्या लिखोगे कितने लूज स्टिक्स बचे हैं तो यहां पर टेंस प्लेस पर क्या लिखेंगे वन क्योंकि अ ग्रुप ऑफ टेन दैट इज लेफ्ट वन्स प्लेस पर क्या लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ लूज स्टिक्स विच इज वन टू थ्री फोर फाइव तो वन्स प्लेस पर लिखो फाइव सो सेवनटीन माइनस टू इज इक्वल इज इक्वल टू वन टेन एंड फाइव वंस अगर आप ऐसे भी काउंट करो तो यू विल फाइंड दैट टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स दैट आर लेफ्ट इज 15 यहाँ पर कितने हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15. सो so, 17 माइनस टू इज इक्वल टू फिफ्टीन नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 19 माइनस सेवन इज इक्वल टू हाउ मच तो यहाँ पर भी दोनों नंबर्स को वंस एंड टेंस के फॉर्म में सबसे पहले लिखेंगे तो दिस इज टेंस एंड दिस इज वंस तो सबसे पहले 19 को कैसे लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ वन सेंटेंस टेंस स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था 19 इज इक्वल टू हाउ मच तो 15 इज इक्वल टू वन टन एंड फाइव इक्वल टू हाउ मच तो नाइनटीन विल बी इक्वल टू वन टेन एंड नाइन वंस तो सबसे पहले 19 को लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेंस एंड वंस सो 19 इज वन टन एंड नाइन वंस नेक्स्ट इज सेवन तो सेवन इज सिंपली सेवन वंस क्यों बिकॉज सेवन इज स्मॉलर देन टेन और यहाँ पे एक माइनस साइन क्योंकि हम सब कर रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पर अब इसको कैसे सॉल्व करें तो क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले क्या है नाइनटीन तो नाइनटीन इज वन टेन एंड नाइन वंस तो सबसे पहले अ ग्रुप ऑफ टेन ड्रॉ करो और नाइन लू स्टिक्स सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन दिस इज अ ग्रुप ऑफ टेन और हमें क्या करना है नाइन वंस ड्रॉ करने हैं सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन स्टूडेंट यहां पर अगर मैं सर्कल नहीं भी ड्रॉ करूं तब भी आप अज्यूम करना ये एक ग्रुप है इसको चाहो तो आप एक रोप से या धागे से बांध सकते हो बट एसेंशियली दिस इज अ ग्रुप कंटेनिंग टेन ऑब्जेक्ट्स एंड दीज आर नाइन वंस मीन्स नाइन लूज ऑब्जेक्ट्स इनको हम इनका हम ग्रुप नहीं बना सकते एक 10 का ग्रुप बनाने के लिए 10 ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए तो नेक्स्ट इज माइनस सेवन मतलब टेक अवे सेवन यहां से हमको सेवन स्टिक्स रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे इन लूज से 7 स्टिक्स से सेवन स्टिक्स रिमूव कर देंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब देखो कितने सारे स्टिक्स यहां पर बचे हैं इनको रिमूव करने के बाद तो यहां पर हम देख सकते हैं एक ग्रुप ऑफ टेन बचा है तो टेन्स प्लेस पर लिखेंगे 1, क्योंकि इज ओनली वन ग्रुप ऑफ और कितने लू स्टिक्स है 1, 2. तो place पर लिखो टू सो देर फोर नाइनटीन माइनस सेवन इज इक्वल टू ट्वेल्व विच इज इक्वल टू वन टेन एंड टू वंस अगर आप ऐसे भी काउंट करो यू विल फाइंड यहां पर कितने हैं टेन दिस इज इलेवन दिस इज ट्वेल्व सो टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स दैट आर लेफ्ट इज ट्वेल्व नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 माइनस वन इज इक्वल टू हाउ मच तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो एज अ होमवर्क तो यहां पर मैंने जैसे सॉल्व किया है ठीक उसी तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो नेक्स्ट इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स इन सारे क्वेश्चन को आप दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो एक है डायरेक्ट मेथड वो क्या है तो यहां पर क्या है 18 माइनस एट सबसे पहले 18 स्टिक्स ड्रॉ करो वहां से 8 स्टिक्स रिमूव करो और काउंट करो टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स डेट आर लेफ्ट वो आपका आंसर होगा जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं सबसे पहले 18 स्टिक्स हम ड्रॉ करेंगे दैट इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन तो ये होगा है एटीन स्टिक्स नेक्स्ट इज माइनस एट माइनस एट का मतलब टेक अवे एट और रिमूव एट तो यहां से एट स्टिक्स को रिमूव कर दो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो ये एट स्टिक्स हमने यहां से रिमूव कर दिए हटा दिए अब देखो टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स दैट आर लेफ्ट मतलब कितने स्टिक्स यहां पर बचे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टोटल नंबर ऑफ़ स्टिक्स दैट आर लेफ्ट इज टेन That is our answer. ये हो गया हमारा आंसर तो ये एक तरीका है दूसरा तरीका क्या है यूजिंग है हमारा ये है हमारा, column, ये है हमारा column. 18 को क्या लिखेंगे 18 is and 8 ones. तो यहां पर लिखो वन यहां पर लिखो एट दिस इज एटीन एट इज वॉट एट इज सिंपली एट वंस क्यों क्योंकि एट टेन से छोटा नंबर है तो एट को हम लिखेंगे सिंपली एज एट वन और यहां पर माइनस साइन तो इसको सॉल्व करना है हमें तो अब हम क्या करेंगे 18 तो 18 हम देख सकते हैं इट इज वन टेन एंड एट वन तो यहां पर एक ग्रुप ऑफ 10 बनाओ और एट लूज स्टिक्स सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सो दिस इज सॉरी यहां पर हमें 10 स्टिक्स बनाने हैं क्योंकि 18 इज सबसे पहले 110 और फिर 8 वंस तो सबसे पहले 110 बनाओ तो 9 10 तो ये हो गए ग्रुप ऑफ 10 और हमें ड्रॉ करना है पर और क्या ड्रॉ करेंगे एट वंस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो ये कुल मिलाकर के होगा 18 यहां पर हमको क्या करना है माइनस एट मतलब यहां से हमें एट स्टिक्स रिमूव करना है तो सिंपली एट स्टिक्स को यहाँ से रिमूव कर दो और यहाँ से लू स्टिक्स से शुरुआत करो तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो ये एट स्टिक्स हम यहाँ से रिमूव कर देंगे तो हमारे पास कितने स्टिक्स यहाँ पर बचे हैं तो यहाँ पर एक जो हमारे पास ग्रुप था हैविंग टेन स्टिक्स वो बचा है तो यहां पर आप डायरेक्टली आंसर लिख दो वन टेन और अ ग्रुप ऑफ टेन जो हमारे पास बचा है प्लेस में हम क्या, लिखेंगे? में हम क्या लिखते कितने बचे एक भी नहीं बचा है कुछ भी नहीं बचा है इन मतलब so so दो तरीकों से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टीन माइनस थ्री इज इक्वल टू हाउ मच तो इसे भी हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं तो सिंपली क्या करेंगे 14, 14 इज वन टेन एंड 4 वंस तो सबसे पहले यहां पर एक 10 का ग्रुप बनाओ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हो गया वन टेन और अ ग्रुप ऑफ 10। इसको एक साथ रख सकते हैं और क्या है 4 वंस तो 1, 2, 3, 4। तो ये टोटल हो गया 14। नेक्स्ट इज माइनस थ्री माइनस थ्री का मतलब टेक अवे थ्री और रिमूव थ्री तो यहाँ से थ्री स्टिक्स रिमूव कर दो शुरुआत लू स्टिक से करेंगे तो वन टू थ्री ये तीन स्टिक्स को हम रिमूव कर देंगे तो अब देखो टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स दैट आर लेफ्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर टेन स्टिक्स बचे हैं और यहाँ पर वन स्टिक बचा है अगर आप टोटल काउंट करो तो दिस इज टेन प्लस वन विच इज इलेवन सो टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स दैट आर लेफ्ट इज इलेवन अब देखो इलेवन इज इक्वल टू क्या होता है अब देखो यहां पर एक ग्रुप बचा है विच इज इक्वल टू वन वन सो फोर्टीन माइनस थ्री इज इक्वल टू इलेवन विच इज इक्वल टू वन टेन एंड वन वन ठीक इसी तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करो एज अ होमवर्क और इनके आंसर्स आप कॉमेंट्स में मुझे बताओ नेक्स्ट इन क्वेश्चन को देखते हैं तो यहां पर कुछ और क्वेश्चन है सबसे पहला क्वेश्चन है 17 माइनस फोर इज इक्वल टू हाउ मच तो इसे भी आप दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो एक डायरेक्ट मेथड है जहां पर आप शुरुआत में 17 स्टिक्स ड्रॉ करो फिर 4 स्टिक्स वहां से रिमूव करो और देखो टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स दैट आर लेफ्ट दूसरा क्या तरीका है यूजिंग टेंस एंड वंस तो ये होता है हमारा टेंस कॉलम ये होता है हमारा वंस कॉलम सेवनटीन इज सिंपली वन एंड सेवन वंस फोर इज सिंपली फोर वंस तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना है सेवनटीन स्टिक्स ड्रॉ करने हैं तो सेवनटीन इज वन एक ग्रुप बनाएंगे तो ये है टेन स्टिक्स तो ये हो गया अ ग्रुप हैविंग टेन स्टिक्स तो सेवनटीन इज वन टेन एंड सेवन वंस ये हो गया वन टेन और हमें सेवन वंस बनाना है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सो दिस इज टोटल सेवनटीन नेक्स्ट इज माइनस फोर माइनस फोर मतलब टेक अवे फोर तो यहां से फोर स्टिक्स रिमूव कर दो वन टू थ्री फोर तो ये फोर स्टिक्स हम हटा देंगे अब आप देखो टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स दैट आर लेफ्ट कितने स्टिक्स यहां पर बचे हैं तो एक यहाँ पर टेन का ग्रुप बचा है तो टेंस प्लेस पर लिख दो वन और कितने लूज स्टिक्स बचे हैं वो हम वंस प्लेस पर लिखेंगे दैट इज वन टू थ्री थ्री लूज स्टिक्स मतलब थ्री वंस देयर फोर सेवनटीन माइनस फोर इज इक्वल टू थर्टीन नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं एटीन माइनस थ्री इज इक्वल टू हाउ मच तो यहां पर भी दिस इज आवर टेंस कॉलम दिस इज आवर वंस कॉलम नेक्स्ट क्या करना है तो 18, 18 और 3 इन दोनों को टेंस और वंस के फॉर्म में लिखना है तो स्टूडेंट्स चूंकि यहाँ पर ऑलरेडी इस तरीके से लिखा हुआ है तो यहाँ पर सिंपली आप टेंस यहाँ पर वंस लिख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन चूंकि इस तरीके से थे तो हम इस तरह से उसको टेंस वंस लिख करके बस इसको इस तरह से हम कन्वर्ट करते थे तो इसको इस तरह से लिख करके इसको सॉल्व करते थे लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली चूंकि इसी तरह से क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है सिंपली यहाँ पर टेंस और यहाँ पर वंस आप लिखो और आप देखोगे एटीन जो है इट इज़ इक्वल टू वन टेन एंड एट वंस थ्री इज सिंपली थ्री वंस अब आपको इसको सॉल्व करना है सबसे पहले क्या करो एटीन स्टिक्स ड्रॉ करो यहाँ पर भी एटीन इज इक्वल टू वन टेन तो सबसे पहले वन टेन ड्रॉ करेंगे एंड एट वंस तो वन टेन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो ये हो गया अ ग्रुप ऑफ टेन और वन टेन एंड एट वंस तो एट लू स्टिक्स ड्रॉ करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो दिस इज टोटल एटीन नेक्स्ट माइनस थ्री माइनस थ्री का मतलब टेक अवे थ्री तो यहाँ से थ्री स्टिक्स हम रिमूव करेंगे तो वन टू थ्री नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स दैट आर लेफ्ट कितने स्टिक्स पर बचे हैं तो टोटल काउंट करके भी आप लिख सकते हो जैसे यहाँ पर आपको पता है डायरेक्टली लिख सकते हो या फिर आप देखो दिस इज वॉट अ ग्रुप ऑफ टेन एक टेन बचा है तो टेंस पर आप लिखो वन मतलब कि पर कितने है? जो बचे हैं एक ही टेन बचा है सो so इसीलिए यहाँ पर वन और वंस कितने बचे हैं मतलब कितने लूज स्टिक्स बचे हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव लूज स्टिक्स तो वंस प्लेस पर लिखो फाइव तो इस तरीके से भी आप देखोगे दैट द आंसर इज फिफ्टीन नेक्स्ट इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करो एज अ होमवर्क तो जैसे मैंने यहाँ आपको सिखाया ठीक उसी तरह से इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करो और इनके आंसर्स कॉमेंट्स में मुझे बताओ नेक्स्ट यहाँ पर कुछ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हैं तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और दूसरा क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है तो उसको आप कंप्लीट करना एज आ होमवर्क तो इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर है सोहम्स मदर ब्रॉट नाइन बनानास फ्रॉम द मार्केट सोहम की मम्मी ने मार्केट से नाइन बनानास खरीद कर लाई शी गेव फोर बनानास टू सोहम और फिर उन्होंने सोहम को फोर बनानास दिए हाउ मेनी बनानास लेफ्ट विथ। तो सोहम को फोर बनानास देने के बाद उनके पास कितने बनानास बचे हैं ये हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सबसे पहले फॉर्मेशन किस तरीके से फॉर्म करेंगे तो शुरुआत में सोहम की मम्मी ने कितने बनानास मार्केट से खरीदे हैं नाइन बनानास तो शुरुआत में उनके पास थे नाइन बनानास उसके बाद शी गे फोर बनानास टू सोहन मतलब उसके बाद यहाँ से उन्होंने फोर बनानास रिमूव किए और वो फोर सोहम को दे दिए तो हाउ मेनी बनानास शी लेफ्ट विथ मतलब सोहम को फोर बनानास देने के बाद उनके पास कितने बनानास बचे हैं तो दिस इज सिंपली नाइन माइनस फोर इज इक्वल टू हाउ मच ये हमारा क्वेश्चन है तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आप मुझे बताओ तो इसको भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं एक तो डायरेक्ट मेथड नाइन माइनस फोर तो सबसे पहले क्या करेंगे नाइन स्टिक्स ड्रॉ करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये हो गए नाइन स्टिक्स तो यहाँ पर एक्चुअल में है बनानास लेकिन आप इसको यूजिंग स्टिक मेथड सॉल्व कर रहे हो तो आप इसको यहाँ पर स्टिक्स ड्रॉ कर सकते हो अज्यूम कर सकते हो कि दी स्टिक्स आर बनानाज ओनली तो यहाँ पर है नाइन तो यहाँ पर नाइन स्टिक्स हमने ड्रॉ कर लिए और उन्होंने सोहम को फोर बनानास दिए थे मतलब यहाँ से वन टू थ्री फोर ये फोर बनानास उन्होंने यहाँ से रिमूव कर लिए और उसे सोहम को दे दिया सोहन को दे दिया तो फिर उनके पास कितने बनानास बचे हैं ये आपको फाइंड आउट करना है तो काउंट करके बताओ वन टू थ्री फ़ोर फाइव उनके पास फाइव बनानाज बचे हैं तो यहां पर क्या आंसर आया फाइव इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे तो विल सिंपली बी नाइन उनके पास शुरुआत में थे nine bananas minus four. Four bananas उन्होंने सोहन को दे दिए तो उनके पास कितने बनानास बचे हैं इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है तो इसे भी यूजिंग सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स तो आप बताओ नाइन का क्या मतलब है नाइन में कितने टेंस और कितने होते है? तो नाइन चूंकि टेन से छोटा नंबर है तो नाइन इज इक्वल टू नाइन वंस ऐसा क्यों टेंथ में यहाँ पर कुछ क्यों नहीं लिखते हैं तो स्टूडेंट्स आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि जब मैं नाइन बोलता हूँ तो सिर्फ मैं नाइन वंस लिखता हूँ टेंथ प्लेस में कुछ क्यों नहीं लिखता आप इसका आंसर मुझे बता सकते हो रीज़न ये है कि एक टेन का मतलब क्या हुआ अ ग्रुप ऑफ टेन मतलब अ ग्रुप ऑफ टेन ऑब्जेक्ट्स तो एक टेन का ग्रुप बनाने के लिए आपके पास दस ऑब्जेक्ट्स या दस चीज़ें होनी चाहिए जब मैं कहता हूं नाइन तो हमारे पास कितनी चीज़ें हैं नाइन ऑब्जेक्ट्स जैसे सपोज करो दीज आर नाइन ऑरेंजेस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टोटल हमारे पास नाइन ऑरेंजेस हैं तो टें में हम क्या लिखें सबसे पहले देखो क्या हम एक टेन का ग्रुप बना सकते हैं या नहीं आंसर आंसरस हम नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास दस चीज़ें है ही नहीं हमारे पास सिर्फ नौ चीज़ें हैं इनको यूज़ करके एक टेन का ग्रुप हम नहीं बना सकते तो जब हम ग्रुप नहीं बना पाएंगे तो इन सबको हम वंस में लिखेंगे इसीलिए नाइन इज सिंपली नाइन वंस इसीलिए दस से जितने भी छोटे नंबर्स होते हैं उनको हम सिंपली वंस प्लेस में लिखते हैं तो नाइन विल सिंपली बी इक्वल टू नाइन वंस सिमिलरली यहाँ पर क्या है फ़ोर फोर विल सिंपली बी इक्वल टू फोर वंस तो ये हो गया हमारा वंस प्लेस ये हो गया हमारा टेंस प्लेस सो नाइन इज सिंपली नाइन फोर इज सिंपली फोर वंस इसको आप सॉल्व कर लो कैसे करेंगे सर सॉल्व तो ये क्या है सबसे पहले नाइन नाइन इज नाइन वंस वंस प्लेस में है मतलब क्या हुआ टेंस प्लेस पे कुछ नहीं है मतलब कुछ भी यहां पर ड्रॉ नहीं करेंगे यहां पर नाइन है तो नाइन लू स्टिक्स यहां पर ड्रॉ कर लो तो यहां पर सिंपली नाइन लू स्टिक्स आप ड्रॉ कर लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये नाइन लू स्टिक्स हो गए यहाँ पर कोई टेन का ग्रुप नहीं है माइनस फोर का मतलब टेक अवे फोर तो यहाँ से फोर लू स्टिक्स रिमूव कर दो वन टू थ्री फोर अब कितने स्टिक्स बचे हैं उसको देख लो वो आपका आंसर होगा वन टू थ्री फोर फाइव देयर फोर नाइन माइनस फोर इज इक्वल टू फाइव तो जब मैं फाइव कहता हूँ तो ये फाइव टेंस है या फाइव वंस है फाइव भी टेन से छोटा नंबर है तो इसको भी वंस में लिखेंगे क्योंकि आप देखो यहाँ पर फाइव लूज स्टिक्स बचे हैं सो इट इज सिंपली नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा एज अ होमवर्क लेकिन यहां पर मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ रहीम हैड एट फ्लावर्स रहीम के पास थे एट फ्लावर्स ही पुट थ्री फ्लावर्स इन अ वेस हाउ मेनी फ्लावर्स वॉज ही लेफ्ट विथ सिंपल है रहीम के पास शुरुआत में कितने थे एट फ्लावर्स ही पुट थ्री फ्लावर्स इन अ वेस मतलब आउट ऑफ दिस एट फ्लावर्स उसने थ्री फ्लावर्स वहाँ से ले, टेक अवे कर लिया या रिमूव कर दिया एट माइनस थ्री और उन तीन फ्लावर्स को उसने फ्लावर वेस पर रख दिया तो हाउ मेनी फ्लावर्स वॉज इ लेफ्ट विथ सो एट माइनस थ्री इज इक्वल टू हाउ मच इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से समझ सकते हो रहीम के पास थे एट फ्लावर्स तो ये एट फ्लावर्स हैं यहाँ पर जो रहीम के पास थे ही पुट थ्री फ्लावर्स इन अ वेस इनमें से तीन फ्लावर्स रहीम ने क्या किए जैसे सपोज करते हैं कि ये तीन फ्लावर रहीम ने इस वेस पर रख दिए तो हाउ मेनी फ्लावर्स वॉज ही लेफ्ट विथ तो वेस पर तीन फ्लावर्स को रखने के बाद रहीम के पास कितने फ़्लावर्स बचे हैं वो आपको कैलकुलेट करना है सिंपली एट माइनस थ्री इज इक्वल टू हाउ मच ये आपको कैलकुलेट करना है इसका आंसर फाइंड आउट करना है और इसका आंसर कमेंट्स में आप मुझे बताओ तो ठीक है स्टूडेंट्स ये था पार्ट फाइव ऑफ चैप्टर फाइव सब्ट्रैक्शन तो यहाँ पर हमारा पार्ट फाइव ख़त्म होता है तो प्रैक्टिस के लिए जितने भी सारे होमवर्क्स है उसको आप कंप्लीट करो और भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ उसको कॉमेंट्स में मुझे बताओ और मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में तब तक के लिए बहुत खुश रहो एंड टेक केयर थैंक यू